मतलब है कि इन्होंने जो है अपनी बॉन्डिंग पूरी कर ली है। अच्छी लग रही है यार तुम्हारे साथ वैसे। अंदर छोड़ो, क्या मतलब मुझे रैबिट नजर आ रही है। रैबिट, रैबिट की फीमेल है ना वो, ये तो मेल को भी मार रही है भाई, तूने शादी क्यों की है दूसरी। हाँ, वो देखो मेल को भी मार रही है। शहजाद ने मेल को पकड़ लिया। मेल ऐसा है जैसे तकिया उठा के लेके जा रहे हो। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त हैवी मेल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है वाटर प्रूफिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है ये शीट लेकर आए हैं। फ्लेक्स है कि शीट है ये मुझे नहीं पता, लेकिन लेकर आए हैं कोई ऑलमोस्ट 100 फीट है ये। तो देखते हैं ये किस किस तरीके से इन्होंने लगाना है। और वो देखें पीछे तक फैला होगा, आपको नजर आ रहा होगा मेरे पीछे। तो सारी वाटर प्रूफिंग के लिए शीट लेकर आए हैं और ये सब जो है आज लगेगी इन केजेस के ऊपर। और किस तरीके से लगेगी इसके ऊपर, फिर थर्माफोम की शीट जो लगाएंगे, क्योंकि आगे फिर गर्मियाँ आ रही होंगी और गर्मियों से धूप वगैरह से बचने के लिए जो है इसकी नहीं जो है वो अच्छे से जो है कवर करना पड़ेगा कि किसी बर्ड को जो है वो गर्मी ना लग जाए। अभी तो खैर बारिश का इंतजाम कर रहे हैं, इसके बाद जो है गर्मी का भी इंतजाम करना है। तो शहजाद और मेहरान पीछे खड़े हुए हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे लगाना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, इसे काट काट के लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं कि कितना लगता है और कितना जो है वो बचता है। तो चलते हैं, सबसे पहले कल जब हम अपना नए मेहमान लेकर आए हैं उसके पास चलते हैं और उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि यार वो एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि कल तक तो जो मेल जो था वो तो उसके पीछे भागे जा रहा था। तो आज जाके देखते हैं कि यार वो एडजस्ट हुआ है कि नहीं मेल के साथ। तो सबसे पहले तो अपने उस रैबिट के पास चलते हैं, हॉलैंड लूप के पास। तो देखते हैं उसको जाके कि वो एडजस्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि देखते हैं कि फीमेल उसके साथ एडजस्ट हुई है कि नहीं। अच्छा, मेल आज भाग नहीं रहा उसके पीछे, इसका मतलब है कि इन्होंने जो है अपनी बॉन्डिंग पूरी कर ली है। और इस बात की जो वजाहत जो है शहजाद करेगा, क्योंकि शहजाद को ही पता है, वही अवेलेबल था यहाँ पे काफी देर तक। तो जाके देखते हैं कि यार ये इससे आप पेयर अप हुई है कि नहीं हुई है। अगर हम फीमेल को, हाँ फीमेल के पीछे भाग नहीं रहा, इसका मतलब है कि पेयर अप हो चुकी है। तो देखते हैं इसके पास से बच्चे कौन कौन से आते हैं, क्योंकि वो जो है हॉलैंड लूप में और ये जो है अंगूरा में। तो बच्चे देखते हैं कि कौन से आते हैं, हॉलैंड लूप के आते हैं या अंगूरा के आते हैं। तो ये एक बड़ी मजे की मिस्ट्री होगी। तो देखते हैं इस मिस्ट्री में से क्या निकलता है। अब बाहर चलते हैं और बाहर चल के जो है शहजाद वगैरह से पूछते हैं कि यार ये पेयर अप हुए हैं कि नहीं, क्योंकि अभी भाग तो नहीं रहे दूसरे के पीछे और ये लोग यहाँ पर शीट डाल रहे हैं। शहजाद, हाँ जी, क्या सीन है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये मुझे बताओ ना, ये पेयर अप हो गए? हाँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पेयर अप हो गए। बस यार एक दिन के ना अंदर हो गए। हाँ, रात तक तो दौड़ ही रहे थे, रात को जैसे घर में रामधन आए थे सब फीट डालने के लिए। हाँ, तो सुबह आके देखा मैंने, बिल्कुल पुरसकून मॉल था। बस मेल को भी सुकून मिल गया, बस मेरी शादी हो गई है। हाँ, वो एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। वो देखो डबल डबल बर्बादी हो रही है यार, हमारे बारे में भी ख्याल करो। हाँ, तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ। मैं तो कहता हूँ यार इनको उठा के उधर ना डाल दें, साथ वाले केज में। हाँ, फीमेल और मेल को दोनों को उधर डाल देते हैं ना, बाकी बच्चे इधर रहने दे, है ना। हाँ बिल्कुल, उठाओ ना, पकड़ो जाके और निकाल के इसमें डाल दो। जाओ मेरा फाइटिंग का मुकाबला, फाइटिंग का मुकाबला, फाइटिंग नहीं होता लेकिन फिर भी। हाँ चलो डाल दो, देखो अगर हो रही हो तो मैं निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है। शहजाद ने मेल को पकड़ लिया। मेल ऐसा है जैसे तकिया उठा के लेके जा रहे हो। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त हैवी मेल है हमारे पास। मुझसे बहुत से लोग इसके बच्चे मांग रहे होते हैं जी, कि यार इसके बच्चे जो है हमें दे दें, इसके बच्चे आपने सेल कर दें। मैंने कहा यार अभी तो सेल का कोई सीन तो नहीं है, हम बच्चों की सेंचुरी मुकम्मल कर लें, उसके बाद जो भी मांगेगा उसको फ्री में देंगे। 100 मुकम्मल करेंगे। हॉलैंड, हॉलैंड भी आ गई है भाईजान। यार माशाल्लाह सा कलर कितना प्यारा है, मेहरान थोड़ा सा कर ले, वो बाहर ना है वो देख, रात वो बनकर उधर देखो, उधर कैमरे को देख, कैमरे को देख, दिखाओ मुझे। हाँ बिल्कुल, एक अंत भी किसी के हो गए, वो तुमने पकड़ा हुआ है ना तभी। अच्छा, हाँ अब ये किधर चल रही है यार? ये तुम्हारे ऊपर चल रही है ताकि जो है अपने घर में। अच्छी लग रही है यार तुम्हारे साथ वैसे। हाँ, चलो अंदर छोड़ो, क्या मतलब मुझे रैबिट नजर आ रही है। रैबिट, रैबिट की फीमेल। चल यार जाओ भाई, तू इधर रहने, वो बच्चों का घर है। अच्छा, फीमेल ना आ जाए इसके पीछे दोबारा से। हाँ अभी से बोले तो वो उस फर्स्ट वाले घर में नहीं जाना, और ना बहुत मार पड़ेगी, इसलिए सेकंड में या थर्ड में जाना है आपको। हाँ, वो देखना वो उधर ही जा रही है। हाँ, अगर देखो उसको मार पड़ेगी तो उधर से खुद बात आएगी। मुझे नहीं लगता कि यार बच्चों को मारती होगी यार, बच्चों को नहीं मारती, नहीं मारती होगी, है ना। हाँ जाके देख लेना, हाली ऊपर से जाके देख के मुझे बता, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। मेरा चेक कर रहा है कि बच्चों को मार तो नहीं रही। वापस आ गई बार, ये तो मेरे ख्याल से तो नहीं करती होगी कुछ भी। बच्चे सारे उधर ही हैं, चेक कर लो एक दफा। अभी दे तो ना, क्योंकि रूम तो थोड़ी सी हिल रही है। ओए इन्होंने सारे अपने बाल निकाले हुए यार, रैबिट ने। हाँ ना, उन्होंने नहीं निकाले, फीमेल ने निकाले होंगे। जिसने भी निकाले लेकिन निकाले हुए। हाँ ना, फीमेल ने निकाले हुए होंगे।
दो व्हाइट थे और एक को दो तीन ब्लैक है। सही, लड़ाई शुरू हो गई है मेरा। ये तो मुझे तो ना मारने दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों का। वो उधर चले, वो इसके बाल खींच लिए जरा। हाँ इसके बाल खींच रही है, इधर नहीं जाना। जा, उसके अंदर घुस गई उस वाले घर में। असल में इसका कलर इनका ऊपर दोनों से ढकन हटा दूंगा, आने जाने लगाए रखेंगे, सिर्फ एक ही में हुआ है ना। ओ, ये तो मेल को भी मार रही है भाई, तूने शादी क्यों की है दूसरी। लड़ाई शुरू है मेरा। लगता है घर में लड़ाई शुरू हो गई है। ओ, बोलती हूँ कि सोतन तू सोतन। तूने शादी क्यों की है भाई, मार रहे तूने आके कह रहे मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये एक दिन और एक रात पूरे देश ही है इसको। क्या कर रहे हो यार आप लोग, मेरे सामने फीड़ी गिरा दिया सारा फीड इसने तरम भरम कर दिया। वो बेचारे कहेंगे यार पहले तो आप लोगों ने मुझे लाके छूट दिया, अभी ये लोग मार रहे हैं, मैं क्या करूं। चलो तुम बाहर आओ ना, थोड़ी देर देखते हैं, अगर यही हिसाब किताब रहा तो फिर इसे निकाल देंगे। मुझे काट रही है, बड़ी जेलेस फीमेल है यार व्हाइट वाली तो। गुस्सा हो गया ना उसके जो मर्द ने शादी कर लिए तो उसे गुस्सा आ गया। मेल भी कहता होगा यार मेरी भी क्या जिंदगी है भाई, मेरे बीवी बीवी से मार खा गया, बीवी से मार खा रहा हूँ मैं, शर्म कर शर्म। चला बाहर आ तुम। अच्छा तो हमने इधर डाल तो दिए दोनों मेल फीमेल दोबारा से वापस स्केच में, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई थी और वो जो है मेल को भी मारना शुरू हो गई थी। मुझे लग रहा है इसलिए मारी कि तो भाई तूने दूसरी शादी क्यों की है। तो ये तो मेरे ख्याल से रियल लाइफ वाला सीन हो गया, जैसे जो मर्द औरत के साथ बाद में दूसरी शादी हो जाए तो जो पहली बीवी है जो लड़ती रहती है, तो वही वाला सीन यहाँ पर भी हो रहा है। देखते हैं एडजस्ट होता है कि नहीं होता, फिर इसको जो है सेपरेट कर लेंगे थोड़ी देर के बाद। और चलते हैं अब अंदर जाके कबूतरों का अपडेट लेते हैं। कल एक बच्चा निकाल आया था, तो अब दो बच्चे हो गए और दो अंडे भी हैं, तो जाके देखते हैं कि उनकी क्या अपडेट है। और जाकर थोड़ी कबूतर की अपडेट भी लें, और यहाँ की आज सफाई भी होनी है क्योंकि काफी गंदा भी हो रहा है और बारिश भी हो रही है। यार इसके बच्चे अभी तक निकले नहीं है, समझ नहीं आई पता नहीं क्यों। तो देखते हैं कब तक निकलते हैं इसके बच्चे। और इसके दो बच्चे कल आ गए थे, देखते हैं आज माशाल्लाह जिंदा भी हैं कि नहीं, क्योंकि कबूतर के बच्चे मर जाएंगे कुछ पता नहीं चलता। दिखाओ सही भाई, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, दोनों बच्चे बिल्कुल सही हैं। सर्दी है इसका मिठा नहीं रही फीमेल को। और अभी किसके बच्चे हैं ये तो भी कंफर्म भी नहीं है, इसके बच्चे हैं या इसके बच्चे हैं। चलते हैं बाहर जाके देखते हैं, मेहरान वगैरह जो है आवाज़ दे रहे हैं मुझे, तो जाके देखता हूँ कि क्या कहते हैं। और माशाल्लाह ये चेक करें, बिल्कुल अपने जो है बाप की तरह बन चुका है। और मेहरान बाहर आवाज़ दे रहा है, जाके देखते हैं क्या हुआ है। हाँ जी किसकी, अच्छा कॉर्नर में आ गई हो, उसको हमने बस निकाल लो ना, मैंने तो कहा था अगर थोड़ी देर देखो अगर ये लड़ते हैं तो इनको निकाल देना, उसको निकाल दो वापस उधर केज में बंद कर देते हैं। मेल फीमेल पकड़ लो और ले आओ। चलो आ जाए इधर, तुझे मार मार पड़ रही है यार, आ जा आ जा को बड़ी। उसके जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे ना वो नहीं छोड़ेगी, बच्चे बड़े हो जाए फिर छोड़ेगी वो। कितना हाँप रही है, इतना मार इतनी दौड़े लगाई है इसने, नी फॉर स्पीड खिलाई है इसका। इसको शर्म आनी चाहिए, शर्म तुम्हें भी आनी चाहिए, तुम गिर रहे हो। तेरे सामने तेरी दूसरी बीवी को मार रहे थे, शर्म नहीं आती तुझे। और दूसरी बीवी को छोड़ो, इसको भी मार दिया, एक से मालने नहीं थी दूसरी उठ के। चलो खैर है, अच्छा ये भी है। चलो आज जो है ना ये भी थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि आज तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और अब पता नहीं है ड्राई होता है नहीं होता, बारिश तो सही मज़ेदार स्टार्ट है, दो तीन दिन की बारिश है फॉरकास्ट में, मैं देख लिया था कि दो तीन दिन बारिश है, इसलिए ये लोग बड़ी सी शीट भी लेकर आ गए। और ये शीट अब यहाँ पे लगेगी भी, और ये अब ड्राई होगा तो इसकी फिनिशिंग होगी, और फिर फिनिशिंग के बाद जो है इसके अंदर जो है फिर हम ड्राई होने का वेट करेंगे, ताकि फिर इसके अंदर जो है अपने जो है पिजन वगैरह शिफ्ट कर दें, जो जो अभी पेयर अप नहीं हुए या जिन्होंने अंडे नहीं दिए थे वो इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। मेहरान और शहजाद जो है वो शीट लगाना स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखें ये ऊपर पहुंच चुका है शहजाद, वहाँ पे खड़ा हुआ है केजेस के ऊपर, टूट ना जाए केजेस। और मेहरान भी टार्जन बना हुआ है, वो भी ऊपर पहुंचा हुआ है। ख्याल से जाओ, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी करना। अच्छा अभी मैं कह देता हूँ, शहजाद साहब कह रहे हैं कि लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, तो काइंडली अगर आप लोग सुन रहे हैं इसको तो लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा। कमेंट तो बनते ही है, मैं जगह पीछे दिखा दूंगा कितना ऊपर से हम रिस्क पे खड़े हुए। तो रिस्क लोगों ने तो नहीं कहा आपको कि आप रिस्क लो, थोड़ा वो दिखा रहे कि नीचे, मैंने तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा चलो
खैर है, चलते हैं हम अपने मोरों की तरफ और मोर जाके दिखाते हैं। मोरनी तो यहाँ केज के पास पहुँची होती है बिल्कुल फ्रंट पे, और मोर माशाल्लाह से बिल्कुल रिलैक्स माहौल में यहाँ बैठा हुआ है। अभी ऐसा ऐसा जगह भी साफ़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हमने ना एक सारा केज जो है वो सिर्फ बड़ा छोड़ देना है। ये जो स्टोर टाइप बना मैंने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, लकड़ियाँ वगैरह, ये तो ये हमारे काम की होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो ये जो है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी कबूतर वाले केज में, और कबूतर जो है वो दूसरे जो नया केज बन रहा है उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो माशाल्लाह मोर अभी अच्छा, मुझे आज शहजाद बता रहा है कि इसने आज अपनी टेल भी खोली थी और यहाँ पे जो है टेल खोल के खड़ा हुआ था, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत अच्छे मूड में, तो बड़ी जगह है तो इसकी वजह से जो है ये खुश भी है, टेल हर अपनी खोल लेता है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पे रिलैक्स माहौल में रहे। और इनकी ब्रीडिंग जब होगी ना तब ज़्यादा मज़ा आएगा यार, ब्रीडिंग कैसे होगी इनकी। अच्छा तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जो है मेल फीमेल की तो बॉन्डिंग हो चुकी है, लेकिन जो पुरानी वाली फीमेल है वो तो सही उसको पकड़ पकड़ के मार रही है, मेरे ख्याल से बच्चे हैं इसलिए उसको जो है ठुकाई हो रही है उसकी, तो देखते हैं कि कितने दिनों बाद जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं उसके, तभी वो केज के अंदर जो है उसको छोड़ती नहीं है फीमेल को, तो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाए ना तो फिर जो है हम इनको जो है एक जगह करेंगे, फिर देखते हैं कि फिर लड़ाई होती है कि नहीं होती। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।